हमारे मोबाइल किरण है, साइड में ये फाइनल वाले लड़के हैं जो कि इन लोगों को टेस्ट चल रहा है किस तरह से गर्मी में। अभी करीब 1 बज रहा है, गर्मी में भी लड़के लोग किस तरह से प्रैक्टिस कराया जाता है और लड़के लोग को टिप्स दिया जाता है कि जॉब में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। देखिए मशीन का किस तरह से लोड है उठ रहा है और यहाँ पर लड़के लोग भी काफ़ी हैं जो कि फाइनल वाले लड़के हैं। ये सब फाइनल वाले लड़के हैं और लोग जॉब में जाने वाले हैं, तो इसमें से कुछ लड़के जॉब में डायरेक्ट जा रहे हैं। तो इन लोग को गर्मी में किस तरह से प्रैक्टिस कराया जाता है, क्योंकि ये कहीं भी जाए तो गर्मी में भी इन लोग हिम्मत ना हारे, क्योंकि इन लोग का प्रैक्टिस रहेगा तो आसानी से ये गर्मी में भी जा कर लेंगे। क्योंकि गर्मी आए चाहे बारिश आए चाहे ठंडी आए, ये वहाँ पर भी जाके अपना काम कर सकते हैं। देखिए काफ़ी गर्मी है, आप देख सकते हैं, मैं अपना चारों तरफ मैं अपने दिखा रहा हूँ। देखिए हमारी जेसीबी है, फॉरक्लिफ्ट है और पिकअप वैन भी है। और देखिए गर्मी काफ़ी है, ये पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के नीचे में कुछ छाएँ भी है और हमारे पास में सारी मशीन यहाँ पर है, एक्सकेवेटर है, लोडर है, क्रेन है। तो गर्मी में भी किस तरह से हम लोग के लड़के लोग जा कर के प्रैक्टिस में जुटे रहते हैं, ये लोग जॉब में भी जाने के लिए तैयार है। तो इन लोग को जॉब में जा कर के वहाँ काम किस तरह से कर पाए, मेहनत किस तरह से कर पाए, इस तरह का माहौल हम लोग क्रिएट करते हैं जो कि लड़के वहाँ जा कर के आसानी से काम कर लेंगे। तो ये हमारे सर भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सदाफ सर, हमारे इमरान सर ये भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं ये जो स्टूडेंट है इनसे पूछूंगा। तो सब मैं बिहार से हूँ, बिहार में सिवान जिले से हूँ। सिवान जिला से अभी आप ट्रेनिंग किया, अभी मशीन चलाया, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस बस मेरा हाई हो गया, अब कहीं भी जाऊंगा कोई टेंशन नहीं है। तो हमारी 50 टन की आगे जाकर 100 टन 150 टन तक इजीली। अभी जॉब में भी आप जा रहे हो? ये सर कल जॉब में निकल जाऊंगा गुजरात, कल गुजरात के लिए जॉब में जा रहे हैं अलहमदुल्ला। अभी इतनी गर्मी में हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ ऑफर फील होता है? यस सर बहुत अच्छा हमें लगता है कि मुझे ऑफर लगता है कि सर सुबह में तो मशीन चलाते ही है, लेकिन इतनी गर्मी में बुला के प्रैक्टिस कराते हैं फाइनल वाले लड़के लोग को, तो कुछ ऑफर फील होता है? यस सर होता है, ताकि कोई हम लोग कमी रह गया हो, कमी को देख कर देखते हैं कोई कमी रहेगा तो फिर से कुछ टाइम एक्स्ट्रा देंगे, उसके बाद से हम लोग पूरा मेंटेन कर, जब तक हम लोग पूरी फाइनली अच्छे तरह से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं तब तक सर हम लोग यहाँ से फाइनल नहीं कर पाते हैं। अच्छा तो चलो ठीक है, सदाफ सर आप बताइए कुछ। सर मैं बताना चाहता हूँ कि लड़कों को हम लोग धूप हो या बारिश हो या जाड़ा हो, ये सब में हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। ट्रेनिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेनिंग कराना, इन लोगों को फुल्ली ट्रेन करना है ताकि कहीं भी जाकर काम कर सके। सिर्फ मशीन ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी नहीं है सर, मशीन के साथ साथ मशीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज ये बंदा जा रहा है जॉब पे गुजरात के लिए, इनको इतना कॉन्फिडेंस है और हमने थ्योरी में इतना कॉन्फिडेंस दिलाया है कि ये 50 टन नहीं, अगर 200 टन का क्रेन मिले तो ये बोला है कि सर मैं चला कर इसका वीडियो भेजूँगा आपको और मैं कहीं भी जाऊँगा टिक के काम करूँगा। लड़के के अंदर सबसे बड़ा यही खासियत है इसके अंदर कि ये टिक कर काम करना चाहता है, ये चाहता है सर मुझे जॉब चाहिए, मैंने क्रेन सीख लिया है मगर मुझे जॉब चाहिए। आज हम लोग इसको जॉब पे भेज रहे हैं सर और कल गुजरात के लिए 2 लड़के यहाँ से रवानगी हो रहे हैं और जाकर ये लोग जॉब करेंगे और हम लोग खुद वीडियो भेजेंगे कि सर हम लोग 200 टन का ट्रेन चला रहे हैं। हमारे पास में इमरान सर भी हैं जो कि टेक्निकल। चलिए हम लोग इमरान सर से भी बात करते हैं जो कि मैकेनिकल के बारे में। थोड़ा सा आप बताइए इमरान सर, ये धूप में, कड़ी धूप में, करीब 40 डिग्री टेम्परेचर में लड़के लोग को प्रैक्टिस कराना, मॉर्निंग में तो होता है लेकिन ये फाइनली लड़के हैं तो इन लोग को प्रैक्टिस करा रहे, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? नहीं तो आपको तो जो भी अर्थ मूविंग मशीन है सब तो ओपन फील्ड में ही काम करना है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या बंदा बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है, मेरे ख्याल है इंशाल्लाह ये जहाँ भी जाएगा इसको कमी इंशाल्लाह किसी चीज का नहीं, ना प्रैक्टिकल का ना थ्योरिकल, दोनों स्ट्रांग है बंदे, जितना भी बंदे अभी सब फाइनल कर लिया है। अब इन लोगों को क्या कहीं भी जॉब मिले बेहतर तरीके से ऑपरेट इन लोग से जानेंगे। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? सर मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं यूपी बस्ती से हूँ। अच्छा आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम श्यामू सिंह है, मैं कानपुर से आया। अच्छा आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा नाम वास्तु, मैं ओडिशा में आया हूँ। ओडिशा से है, तो आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मैं बिहार से हूँ, सिवान जिला से। आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम अर्जुन गुप्ता है, मैं यूपी के गोरखपुर जिले। क्या चीज़ कर रहे हो? मोबाइल क्रेन। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नौशाद अली है, मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। जी माशाल्लाह अलग अलग जगह से लड़के लोग। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद अदनान, मैं यूपी मऊ से हूँ। क्या चीज़ सीख रहे हो सर? मोबाइल क्रेन में क्या क्या मिलता है चलाने के लिए? सर मोबाइल क्रेन में ऑपरेटिंग करने के लिए और ड्राइविंग करने के लिए दोनों मिलता है। मेंटेनेंस करने। आप कहाँ से, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मतीउर रहमान है, मैं बिहार मधुबनी जिला से। क्या चीज़ सीख रहे हो? जैसी भी। आप क्या नाम है, क्या? विनोद कुमार नाम है सर, मैं आजमगढ़ यूपी का रहने वाला हूँ, मैं जैसी भी सीख। आपका क्या नाम है? सुब्रत मंडल, हमें कोलकाता से बोल। कोलकाता से? क्या नाम है? सुब्रत मंडल। क्या चीज़ सीख रहे हो? फॉरक्लिफ्ट सीख रहे हो।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम इत्तेसाम है, मैं यूपी से हूँ। क्या चीज़ सीख रहे हो? फोर्थ क्लियर। फोर्थ क्लियर। क्या नाम है आपका? रोहित मेरा नाम है, मैं मोबाइल क्रम सीख रहा हूँ। आप ही जॉब में जा रहे हो? यस सर, मैं ही जॉब में जा रहा हूँ। आपका फाइनल चल रहा है? यस सर, फाइनल लास्ट। इतना गर्मी में प्रैक्टिस कराने दिया जा रहा कुछ सर? अभी डंपर चला के बाहर चलाने को मिला, अभी अभी आ रहे डंपर चला के। कोई दिक्कत नहीं हो रही इतनी गर्मी में? नहीं सर, 40 डिग्री टेम्परेचर, इतनी गर्मी में, कड़ी धूप में नहीं हो रही है। सुबह तो चलाते थे लेकिन इतनी गर्मी में देने का क्या मतलब है सर? इसलिए दे रहे हैं कि हमारा फाइनल हो रहा है आज, फाइनल तो रोड में पूरा फ्री, आज जैसे मन करो वैसे तेज चलाओ, जैसे ट्रेन दिखा रहे हैं। कुछ दर्शक लोग बोलेंगे ना इतनी गर्मी में देते हैं मेरा बच्चा, कुछ गार्जियन लोग बोलेंगे मेरा बच्चा इतना गर्मी में कैसे चलाएगा सर? यहाँ पे आदत हो गई, यहाँ पे धूप नहीं लगता है हम लोग। धूप नहीं लगता है? नहीं, क्या करें, 40 डिग्री टेम्परेचर में धूप नहीं लगता है। अरे सर, जुनून है हमको सीखने का, तो धूप क्या करेगा सर? हम लोग कहीं भी जाओगे तो धूप में भी तो चलाना पड़ेगा, ठंडी में चलाना पड़ेगा। यही हम लोग का घर यही है, अपना घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। वाकई में दर्शक देखिए इनकी मुस्कुराहट से पता चलता है कि गर्मी भी इनको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि अगर सोचेंगे गर्मी लगती है तो गर्मी लगेगी, अगर सोचेंगे गर्मी नहीं लगती तो गर्मी लगेगी, है कि नहीं सर? हम लोग को गर्मी नहीं लगती, हम लोग एकदम बारूद है, तो इस मिशन को पूरा करना ही कर रही है एकदम। तो चले माशाल्लाह, यही है कि हमारे स्टूडेंट का यही देखिए जोश है कि इन लोग को सीखने का एक जज्बा है, तो सीखते कैसा? देखिए अभी ये जा रहे हैं चलाने के लिए, तो अभी ये डंपर चला रहा है अभी। यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप मशीन चला के आए तो कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत नहीं। तो इतनी गर्मी में चलाने दिया जा रहा है क्यों? सीखने के लिए सर, सीखने के लिए, प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये देखिए गर्मी आए क्योंकि गर्मी में भी चलाना है, ठंडी आए ठंडी में भी चलाना है, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए गर्मी में दिया जा रहा है कि हम लोग का आदत बना रहा है, प्रैक्टिस रहे तो हम लोग चला सकते हैं। ठंडा सुबह भी मिलता है मशीन चलाने? सुबह भी मिलता है, सुबह हमेशा सुबह चलाते हैं? सुबह चलाते हैं हमेशा। ये फाइनल है, अभी जॉब में जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जॉब में? जॉब में गुजरात। चले गुजरात जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट किस तरह से यहाँ डंपर चला रहे हैं, डंपर रोड पे भी हम लोग देते हैं, इनसे जानेंगे किस तरह से रोड पे हम लोग डंपर देते हैं, डंपर में लॉन्ग ड्राइव में देते हैं कि किस तरह से लड़के चला पाए। थोड़ा सा रुको, ये देखिए हमारी गर्ल ट्रेनिंग सीट की यह है जो कि रोड पे ही हम लोग देते हैं, ऐसा आपको ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलेगा रोड पे चलाने के लिए। आप क्या नाम है, आपका कहाँ से हो? आसाम से हो, और अभी डंपर चला रहे हैं इतनी गर्मी में? हाँ सर, सीख रहा हूँ, संतोष सर सिखा रहे हैं अभी। हाँ संतोष सर सिखा रहे हैं? हाँ हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत नहीं हो रहा है, संतोष सर सिखा रहा है, डंपर भी मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ। रोड पे क्यों दिया जा रहा है चलाने? गाड़ी तो रोड पे चलाना है, इसीलिए रोड पे दिया जा रहा है, इसीलिए। हाँ इतनी गर्मी में? हाँ हाँ, सब लोग हम लोग का साथ मेहनत करते हैं। नहीं नहीं गर्मी में? नहीं 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 हो रहा है, क्योंकि मशीन में कहीं मिलेगा तो गर्मी में हम लोग का सारे इतना कष्ट कर रहे हैं, हम लोग क्या, हम लोग स्टूडेंट है, कष्ट करना पड़ेगा। माशाल्लाह, मेरी दुआ है कि आप भी जॉब में जा रहे हो। हाँ सर हाँ। चलो माशाल्लाह, ये 4-5 लड़के हमारे जो है जॉब में जा रहे हैं, देखिए कैसे चला रहे हैं। चले बैक लीजिए, बैक लीजिए। ये देखिए हमारे स्टूडेंट रोड पे भी डंपर ड्राइविंग करते, किस तरह से गाड़ी को बैलेंस कर पाएंगे, किस तरह से फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिर गियर डाल के चलाते हैं, ये आपको चलाने यहाँ पर मिलेगा। रोड पे गाड़ी उड़ी भी आना जाना करती है माशाल्लाह। देखिए गाड़ी सब कोई आ बोले। अभी जो डंपर हमारे साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हमारे संतोष सर हैं, प्रैक्टिकल के जो टीचर है, ये हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल बताते हैं, हर एक पॉइंट बताते हैं कि देखो ऐसा नहीं करना, जैसे बता रहा वैसे करो। और इनका एक ही सिद्धांत है कि जो बंदा घर पे बैठ के मोबाइल यूज़ करता है, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा हो, इनका एक ही सिद्धांत है कि जीरो से हीरो बनाने का मैं काम करता हूँ, तुम पढ़े हो या नहीं पढ़े हो इसका कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र आप आओ, मैं तुम लोगों को जीरो से हीरो बनाऊंगा, ये मुझे ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो मैं सर यही कहूँगा, सर जितने सारे हमारे स्टूडेंट फ्रेंड हैं, कि आप सभी लोग आए, और जो भी लोग भी घर बैठे हैं तो आप लोग घर नहीं बैठे, हमारे गर्ल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आए और ट्रेनिंग करें,
और एक अपने लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजिंग करे। बहुत अच्छा ट्रेड है ये मोबाइल ट्रेन का भी, और हमारे संतोष सर के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि ये प्रॉपर 5 बजे से उठते हैं, उसके बाद से 4-5 बजे तक बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग के साथ साथ धूप में आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, फिर भी हम लोग के साथ खड़े रहते हैं, खड़े रह के धूप में हम लोग के साथ साथ धूप में खड़े होकर काम कराते हैं सर। तो इनको मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा, थैंक यू सो मच सर, जो आपने हम लोग के लिए इतना कुछ किया। हम लोग जरूर लाइफ में मौका मिलेगा तो आपके लिए भी कुछ करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें सर से मिलकर। वाकई में ये संतोष सर है, संतोष सर से जानना चाहेंगे कि संतोष आप वाकई में लड़की लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, लड़के लोग आपके बारे में बहुत तारीफ करते हैं। मैं संतोष हूँ सर, ये लड़का लोग ना तो मेरे दोस्त लोग कहने से कम नहीं होगा सर। अच्छा, इतना मतलब मेरे को लग रहा है मेरे घर से छोड़ के आया, लेकिन तो जीटीआई में तो मैसेज नहीं हो रहा था, मैं घर मेरे घर भी नहीं है, अब ये ऐसा लग रहा है मेरा घर है सर, ऐसा लग रहा है मेरा घर है सर। इतना प्यार मोहब्बत से हम लोग काम करते मिलजुल के, कैसे कैसे टाइम पार हो मालूम नहीं पड़ता है सर। रोड पे चलाने दे रहे हो इतनी गर्मी में, क्या मतलब? नहीं सर, इन लोग का ये फाइनल हो जा रहा है, इन लोग को कैसे बाहर चलाएगा, रोड लाइन कैसे लेन देना है, इसका बारे में रोड में निकाल के इनको पूरा दौड़ा रहेगा। तो सर ट्रेनिंग करते हैं, कड़ी धूप में भी ट्रेनिंग करते हैं, रोड पे भी हम लोग डंपर देते हैं, जो क्रेन चलाते क्रेन में भी देते हैं। हमारे पास में क्या क्या मशीन में चलिए बता देता हूँ कि हमारे पास में मोबाइल क्रेन है, जो कि टेलीस्कोपिक वाली हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन 50 टन कैपेसिटी की लिबर कंपनी की है। हमारे पास की हैवी ड्यूटी एक्सकेवेटर है, जो कि फास्ट मशीन है, जेसीबी कंपनी की 140 मॉडल है, बहुत फास्ट चलती है। ये एक्सकेवेटर भी हमारे पास में, इसका भी ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। और ये हमारे पास में एक लोडर भी है, देखिए सामने आ जाइए, लोडर देखिए, ATWL टाटा व्हील लोडर भी, टाटा कंपनी के एक लोडर भी है हमारे पास में, हैवी ड्यूटी लोडर भी है, ये भी 4-व्हील ड्राइव है। हमारे पास में एक जेसीबी है, सामने आ जाइए, ये जेसीबी है, जो कि 3DX कंपनी की जेसीबी भी है, जो कि इसको भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं बखूबी, इसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल सब में देते हैं। हमारे पास में एक फोरक्लिप है, जो कि वोल्टास कंपनी के 4 टन कैपेसिटी के फोरक्लिप भी है। एक पिकअप वैन भी है हमारे पास में, ये देखिए पिकअप वैन भी है। अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि गर्ल ट्रेनिंग स्टोर आकर कोई भी अर्थ मूवर्स में ट्रेनिंग लेने के लिए, बिंदास फोन उठाएं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया 9334820003 9471308 5 दोनों नंबर पर फोन करें, डिटेल जानकर ले लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप से भी चैटिंग करके डिटेल जानकर ले लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत है, पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो इसको इस मशीन को सीख सकते हैं, कहीं भी जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इंडिया में भी जॉब मिल जाएगा, गल्फ कंट्री में मिल जाएगा, यूरोप कंट्री भी इसमें जा सकते हैं ट्रेनिंग लेकर। हमारा यूट्यूब चैनल है गर्ल ट्रेनिंग सूट का, यूट्यूब चैनल है हमारे, फेसबुक है गर्ल ट्रेनिंग सूट का नाम से, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है गर्ल ट्रेनिंग सूट का नाम से, इंस्टाग्राम भी, हमारी वेबसाइट है www.gtijsr.com, ये इस पर भी आप विजिट करके डिटेल जानकर ले लीजिए। जो बंदे नए देख रहे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।